ये तो सभी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। जिन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड योजना मान्य है, उन अस्पतालों में जाकर आप मुफ्त में अपनी किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकते हैं। इसके दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी एक वाक्य देखने में आया, जब एक पीड़ित व्यक्ति ने SSP के यहाँ एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें निजी अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान कार्ड में धांधली का आरोप लगाया गया है कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी अस्पताल के संचालक ने मरीज के परिजनों से न केवल मोटी रकम ऐंठी, बल्कि परिजनों के साथ बदतमीजी भी की और उनके मरीज को इलाज के दौरान ही अस्पताल से निकाल दिया गया। दवाइयों के नाम पर लगभग 50,000 रुपए वसूले गए और बिल मांगने पर मरीज के तीमारदारों को धमकाया गया। अभी अस्पताल से निकल जाने के कुछ दिन बाद ही मरीज की घर पर ही मृत्यु हो गई। शिकायत पत्र में कहा गया कि 26 मार्च को बीमार महिला को मेडविन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मृतक महिला के पति नेत्राम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। लिखित शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि मृतक महिला के पति द्वारा संबल रोड सर सैयद नगर स्थित मेडविन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर पवन कुमार सैनी ने बदतमीजी करने और इलाज के दौरान दवाइयों के नाम पर उनसे 50,000 रुपए ऐंठने का गंभीर आरोप लगाया है। इस योजना को कमाई का साधन मानने वाले अस्पतालों के विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जी, मेरा नाम नेत्राम सैनी है। मैं बनबड़िया का रहने वाला हूँ, जिला रामपुर सदर, जिला रामपुर सदर का रहने वाला हूँ। मेडविन में मैंने अपनी पत्नी को एडमिट किया था 26/3/2024 को, परंतु इलाज चल रहा था उनका। इलाज चलते चलते 10-11 दिन के बाद में डॉक्टरों ने बोला कि आपका मरीज सही हो गया है, ऑक्सीजन पर रखना पड़ेगा उसको 15 से 20 दिन तक। मेरे मकसूद डॉक्टर साहब हैं, मकसूद अली, उन्होंने बोला था आपका मरीज सही हो चुका है, 15 से 20 दिन तक ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा आपके मरीज को, आपका मरीज सही हो जाएगा। मेरा मरीज जो 15 से 20 दिन तक ऑक्सीजन में रहा और उसी पीरियड में मेरा मरीज का देहांत हो गया, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मुझे धोखे धड़के में रखा गया और मेरा पैसा भी लूटा मुझसे, दवाइयाँ भी मेरे से बाहर के मंगाते थे और मुझसे नगद पैसा कुछ मांग कर रहे थे, बोला आपके मरीज का ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ 40 से 50 हज़ार रुपये और नकद से मांग रहे थे मुझसे। 40 से 50 हज़ार रुपये का मैंने दवाई ले चुका था, नगद दे दूँ। आयुष्मान से इलाज चल रहा था, आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा था सर मेरा, उसमें भी उन्होंने कुछ पैसे काटे थे 70-60 से और बाकी 420 करके मेरे मरीज को मेरे घर भेज दिया उन्होंने। मकसूद अली के हाथ से इलाज चल रहा था, पवन कुमार डॉक्टर जो है इनके सीनियर हैं, इन दोनों ने बोला था कि आपका मरीज सही हो गया, 15 से 20 दिन तक ऑक्सीजन में रखना पड़ेगा, आपका मरीज सही हो जाएगा। इनके विश्वास पे मैं ले गया था, ऑक्सीजन भी देता रहा लगातार मैं अपने मरीज को, परंतु उसके बाद में मेरा मरीज ख़त्म हो गया और 50,000 रुपये उन्हें दिए मैंने। अब चाहता ही हूँ कि मेरा मरीज भी नहीं बचा, मुझसे जो पैसे लिए थे वो भी नाजायज लिए थे, और इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे मरीज के साथ में इंसाफ हो और मेरे साथ में। मेरी एक बेटी है, उसकी भी शादी शुदा करनी है साहब। जी, मेरा नाम सुखबीर है, मेरा नाम सुखबीर है। क्या समस्या है जो यहाँ पे आप मेरी साली थी बीरमती, रामपुर के रामपुर में उसकी शादी होती है, वहाँ पर वो बीमार थी तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा मेडिकल में भर्ती कराया गया, वहाँ पर इलाज चलता रहा। उन्होंने 5 दिन तो ICU में रखा, उसके बाद जनरल वार्ड में डाल लिया, और पर जब हमने हमसे बाहर की तरफ से दवाइयाँ मंगाते रहे अपने मेडिकल से, महंगी महंगी दवाइयाँ 45 रुपये पर डे की दवाइयाँ ले खरीदवाते रहे, जब जिस दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा मरीज ठीक है, ये 15 से 20 दिन इससे घर पर ऑक्सीजन लगी, इससे घर पर ऑक्सीजन लगा कर रखना, हम उनको घर ले गए। 50,000 रुपये देने से जब हमने इनकार करा कि साहब हमारे तो आयुष्मान कार्ड पर कार्ड वो चल रहा है, इलाज चल गया, तो उन्होंने जो इसके डायरेक्टर हैं पवन कुमार सैनी, उन्होंने बदतमीजी करी, अभद्रता करी,
और हम जा रहे जो है 50,000 भी हमसे ले ले और हमारे मरीज को लापरवाही के साथ घर वहां से निकाल देकर अपने घर पे जाकर ऑक्सीजन करवाना। तो मेरी शासन प्रशासन से निवेदन है कि उक्त हॉस्पिटल अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो।